फतेहाबाद के गांव नाढ़ाड़ी में बुधवार देर रात को ग्रामीणों ने गांव के बिजली घर में जाम चलताते हुए ऑपरेटर को काबू किया। बिजली घर में तैनात ऑपरेटर गांव के दो युवकों के साथ शराब पी रहा था। जब गांव के लोग सरपंच को साथ लेकर पहुंचे तो अन्य दोनों युवक मौके से फरार हो गए और सरपंच ने कमल को कार्यालय में शराब पीते रंगे हाथों काबू कर लिया, जिसके बाद मामले की सूचना पुलिस को दी गई और पुलिस ने कमल को हिरासत में लेकर मेडिकल करवा लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। यह मामला तब सामने आया जब सरपंच गाँव में बिजली न आने की समस्या को लेकर गाँव वालों के साथ बिजली घर में पहुंचे। सरपंच ने देखा कि बिजली घर का ऑपरेटर व गांव के अन्य युवक बिजली घर कार्यालय की मेज पर शराब रखकर जाम छलका रहे हैं। सरपंच को देखते ही दोनों युवक मौके से भाग गए और सरपंच ने ऑपरेटर कमल को काबू करके पुलिस को मामले की सूचना दे दी। फिलहाल पुलिस की ओर से कमल का मेडिकल करवाकर आगे की जाँच शुरू कर दी गई है। आज़ाद टीवी न्यूज़ के लिए फतेहाबाद से जितेंद्र मोगा की रिपोर्ट। सरपंच में लाइट करने का बिजली घर में आया तो यहाँ पर गाँव के सुशील कुमार और सियाराम ड्रिंक्स कर रहे थे, जो मौका देख यहाँ से फरार हो गए और कमल सिंह जो यहाँ पर जिसकी ड्यूटी है रात को उसको पुलिस वो मेडिकल करवाने के लिए घूमना ले गई है। पुलिस ने क्या कहा है जी? पुलिस ने क्या कहा है? पुलिस ने जो कार्रवाई करनी थी वो कागज कार्रवाई करती और जो कमल था उसको जो आगे कार्रवाई की भरोसा दिया है।